Hello gamers, welcome back to Get In Boom. Don't forget to click the subscribe button, click the bell icon to get the latest notification, and click the like button. टेकी टेकी या काशी मराको, एक जापानीज अर्बन लेजेंड जो रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन जो अर्बन सिटीज़ में उन पे वो आत्मा भटकते रहती है, वो एक गुस्सैल आत्मा है जो लोगों को देख के ही उनके दो हिस्से कर देते हैं, पेट काट के दो हिस्से कर देती है वो लोगों के और तड़पने देती है उसको। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टकी टकी यानी कि काशी माँ की कहानी। तो जैसे ही काशी माँ के कॉलेज की छुट्टी हुई तो वो उसी पुराने ब्रिज वाले रास्ते से जाती थी अपने घर। तो उसी रास्ते में एक रेलवे लाइन क्रॉस करता था, तो उसी रास्ते से वो एक बार जा रही थी तो वहीं पे वो चक्कर खा के बेहोश हो गई। और उसी में आधे एक घंटे के बाद एक ट्रेन क्रॉस कर गई और वो काशी माँ के दो टुकड़े हो गए, सिर से लेके पेट तक एक टुकड़ा और पेट का बच्चा कुछ हिस्सा से लेके पैर तक दूसरा टुकड़ा। और वो 3-4 घंटों तक तड़पते रही पर उसका कोई मदद नहीं किया और वो आखिरकार मर गई। फिर उसके बाद उसकी आत्मा वहीं पे भटकते रही, भटकने के बावजूद वो जो भी लोग को देखती थी रेलवे लाइन के पास और रेलवे स्टेशन के पास या ट्रेन्स में, वो लोगों को उनके दो टुकड़े कर देती थी जैसे वो अपने जैसे उसके हुए थे वैसे ही सेम टू सेम दो टुकड़े कर दिया करती थी। तो इसी में एक कहानी है चार लड़कियों की, तो चलिए वो कहानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ चार दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो रेलवे स्टेशन से रेलवे लाइंस के पास जाके टकी टकी को ढूंढेंगे, अगर नहीं मिल रही तो वो कॉलेज में बताएंगे सबको कि भूत नहीं होता है। तो वो सीधे निकल पड़ी रात के 12 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन में। तब लास्ट रेलवे स्टेशन में एकदम सन्नाटा था, कोई नहीं था। तो वहाँ पे होता है कि एक जो लास्ट ट्रेन बची थी वो भी चली जाती है और वो लोग रेलवे लाइन पे उतर जाते हैं, स्टेशन से फलांग के रेलवे लाइन पे उतर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं टकी टकी अगर तुम यहाँ आओ तो मेरे पास आओ, टकी टकी अगर तुम यहाँ आओ तो मेरे पास आओ। जो उन लोग की चौथी दोस्त थी वो एक नंबर की डरपोक थी, तो वो उन लोग से थोड़ी सी दूर थी, उसको लग रहा था कि टकी टकी असली में आएगी और उन लोग को मार डालेगी, तो वो वहाँ छुपी हुई थी। तो जो बाकी तीन दोस्त थे वो चिल्लाने लगे, उसके बाद उन लोग को लगा नहीं आएगी तो वो लोग बोले चौथी दोस्त को जो डरपोक थी कि आ जाओ टकी टकी नहीं आएगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद आवाज़ आने लगी टकी टकी और ज़ोर से आने लगी पास में, टकी 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 और पास से आने लगी टकी टकी टकी, पर उनको नहीं दिख रही थी। पर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा पास आ गई आवाज़ और उन तीनों के पीछे पड़ गई। एक दोस्त का उसने पेट चीर दिया, पूरा का पूरा पेट चीर दिया। फिर उसके बाद वो भाग गई जैसे आप इस वीडियो में देखिए। फिर उसके बाद वो सब दोस्त यानी कि बाकी जो तीन बची थी वो भागने लगती है। जो चौथी वाली थी उसके बगल में एक ऑफिस मतलब कंट्रोल रूम था, तो उसमें छुप गई वो। कंट्रोल रूम पता नहीं क्यों उस टाइम सुनसान था एकदम, वहाँ कोई नहीं था। और बाकी दो भागने लगी पर टकी टकी अचानक से गायब हो गई। और जो चौथी जो डरपोक दोस्त थी फैन उसके अपने आप बंद हो गया, लाइट था तब भी फैन अपने आप बंद हो गया और फैन, और जैसे ही उसने ऊपर देखा कि खून टपक रहा है तो वो एकदम देख ली कि टकी टकी पंखा से अपने दोनों हाथों के वजह से पंखा से लटकी हुई है और उसके सिर पे चढ़ गई है। और फिर उसके बाद वो उसका भी पेट काट देती है और बाकी थोड़ी देर बाद इतना जोर का चीख आता है उसका पेट कटने का, तो वो बाकी दोस्त चौंकना हो जाती है, बाकी जो दोस्त चौंकना हो जाती है और रोने लगती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। पर
वो उन दोनों को भी मार देती है जैसे अभी इस वीडियो में अभी देखे। तो इसी से हम लोग की कहानी खत्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़। बहुत मेहनत से बनाया हुई ये कहानी। सो बाय फ्रेंड्स।